मेरी खुशियां मार दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा बच्चा मार दिया, फिर क्यों चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं? चाहती क्या है वो? मुझसे वफा और तुम्हें तलाक, मैं दे दूं। मनहूस भी जाएगी अस्पताल। खबरदार, जो मेरी मरी हुई माँ का नाम आपने अपनी जबान से लिया तो नीच होगी आप, नीच होगा आपका पूरा खानदान। क्या हुआ, सब ठीक है? अच्छा मैं क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? देखिए आप आज ही अस्पताल से आप आइए, आप खुद को परेशान करके फिर से बीमार मत हो जाएगा। आप उनकी परवाह करना क्यों नहीं छोड़ देते? तो मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? सारी दुनिया वैसे ही मुझसे तंग आ चुकी है। देखिए मेरे पास एक छत बची थी जहां आके मैं खुली फिजा में अपनी जिंदगी का मातम कर लेती थी, मगर तुम्हारी वजह से अब मुझे वो भी जाती हुई नजर आ रही है। जब देखो अपनी छत पे पाए जाते हो, जब जब मैं यहाँ आया करूं तो प्लीज वहां मत खड़े हुआ करो, और खुदा के लिए अभी चले जाएं या मैं ही चली जाऊं? अच्छा नहीं नहीं देखिए मैं सिर्फ आपका तबीयत का हाल पूछना चाह रहा था और कुछ भी नहीं। आप परेशान मत हो, मैं चला जाता हूं, मैं चला जाऊं। जी इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है और प्रेग्नेंट औरत के लिए ये बिल्कुल भी ठीक नहीं।
अगर बीपी हद से ज्यादा शूट कर जाए तो हामला औरतों के लिए मुश्किल हो जाती है, तो प्लीज आप इनका ख्याल रखें और इन्हें कोई टेंशन ना दें। डॉक्टर साहिबा, दरअसल बास चीजों को सहना बहुत मुश्किल होता है। हम इनकी पहली बीवी के साथ रहते हैं, जब भी ये उनके पास जाते हैं ना, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, खुद ब खुद पारा चढ़ना शुरू हो जाता है, मेरा आप मेरे बस में नहीं रहता। देखें, ये आप लोग का घरेलू मसला है, आप इसका हल खुद निकालें और प्लीज इन्हें कम से कम टेंशन दें। इनके पैर में जो मोच आई है, इसके लिए मैंने दवा लिख दी है, आप इन्हें ये दे दें और इंशाल्लाह हल्की सी मोचे ठीक हो जाएगी। थैंक यू। वरना मेरी समझ में नहीं आता आखिर तुम्हें हो क्या जाता है। अच्छी तरह जानती हो तुम इस बच्चे की, इसकी जिंदगी की कितनी अहमियत है हमारे लिए, फिर भी तुम इसकी जान से खेल जाती हो। मैंने अपने साथ खुद किया है। अच्छी तरह जानती थी तुम, मुझसे शादी करके तुम्हें एक बटी हुई जिंदगी ही मिलेगी, फिर भी बजिद थी तुम, जिद कर करके शादी की मुझसे। अब इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? मैं बेबस थी शामिल और आज भी बेबस। देखो मुना, हर चीज तुम्हारी मर्जी से तो नहीं हो सकती ना, और वो भी मेरी बीवी है, पहली बीवी, वो बीवी जिसका गुनेगार हूं, जिसकी गिल्ट में रहता हूं मैं, उसको भी मेरी जरूरत है। शामिर प्लीज, तुम्हें डॉक्टर ने मेरी हालत के बारे में बताया है ना, अब जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती मुझसे अजरा का जिक्र मत करो। सब कुछ जानते हुए भी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही। अरे क्या जरूरत थी फिर तुम्हें फैसला करने की कि हम इस घर में रहेंगे? मुझे अपने फैसले पर कोई पछतावा नहीं, अगर मैं ना आती तो वहां अकेली रह जाती, तुम अपनी माँ और अपनी बीवी के साथ मुकम्मल जिंदगी गुजार रहे होते, और फिर अचानक पुरानी मोहब्बत जाग जाती तो मेरा क्या होता? प्लीज यार, तुम अच्छी तरह जानती हो ये सब कुछ हो सकता था, फिर भी सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल है और कुछ नहीं। मैंने कहा ना शामिर, मैं बेबस हूं। तुम एक बात मुझे सच सच बताओ, तुम उसके पास क्यों जाते हो, दिल की वजह से या शर्मिंदगी की वजह से? एक ही वक्त में दो औरतों से एक ही शिद्दत की मोहब्बत नहीं हो सकती। सिर्फ हमदर्दी का एहसास है, पछतावा है जिसे तुम मोहब्बत समझ रहे हो। पूरी जिंदगी भी गुजर जाएगी ना शामिर, तो ये बेवफाई का दाग नहीं भूलेगा। मैंने ये बात तस्लीम कर ली है कि मैं बेशरम दोस्त हूं, तुम भी ये बात मान लो कि तुम एक बेवफा शौहर हो और बस। यार बेवफा मेरा रब ही गवाह। बेगैरत को बुद्धि से पकड़ लगा दो और खींचता हुआ ले जा कमरे में, ताकि मेरा बच्चा भी जाया हो जाए, है ना, और इसकी जिंदगी भर की कमाई आप और आपकी बेटियां खाएं। ना हक मांगूंगी, और अगर नहीं देगा ना तो कोर्ट कचहरी तक घसीटूंगी मैं उसे, और उन तक मुझे हाथ मत लगाना। वो ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था, पैर में ऑलरेडी लगाया था हॉस्पिटल। ऊपर दो कमरे ना डलवा लें बेटा, अस्पताल बना लेते हैं घर में। खैर से अब तो तुम्हारी बीवियों को बारी बारी जरूरत पड़ती रहेगी, घर पे 24 घंटे डॉक्टर भी होगा और इंतहाई निगहदाश्त भी मैसर होगी। क्या बनाऊं तुम दोनों के लिए, क्या खाओगे खाना बताओ, मैं बना के लाती हूँ।
शामीर वो घर के लिए एक मुलाजमा रख लें प्लीज। ए बी, हमारे यहाँ मुलाजमा नहीं होती, बहुएं करती हैं घर का काम। क्यों, बेटियां क्यों नहीं करती? क्योंकि बेटियां पराया धन होती हैं, इसलिए काम नहीं करती। बहुएं होती हैं जो मालिकन होती हैं घरों की। प्लीज मुझसे आराम से बात कीजिए, मैं बहुत दिनों से बहुत कुछ सुन रही हूँ और इस घर में बहुएं कितनी मालिकिन हैं इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है मुझे। और जरूरी नहीं है आपका कहा हुआ हर लफ्ज हरफे आखिर हो और आपकी कही हुई हर बात कानून इंसानियत बन जाए। चलो उठो, अंदर चल के आराम कर लो। चलो, चुप कर जा। तो चुप कर जा, तूने ही उस वाली को भी आसमान पे चढ़ा के इस तरह का कर दिया है और अब इसके पीछे पड़ गया है। शेरनी बन के ये भी चाटेगी सीना मेरा। मोना बस चुप कर जा, अंदर चलो, मैं मुझे बात करनी है तुमसे। चलो। मुझे समझ नहीं आती कि मर्द अपनी माँ बहनों को क्यों चुप करने के लिए नहीं कहते, हमेशा अपनी बीवी को चुप करने को क्यों कहते हैं। कान खोल के सुन ले, मैं अजरा नहीं हूं जिसका मियां बगल में दबाओगी और भाग जाओगी। मैं भी अजरा नहीं हाँ, जिसे आप अपनी जहरीली बातें सुनाकर नोच खाएंगी। कान खोल के सुन लो, ये जो इस चार दीवारी में खड़ी हो ना तुम, ये मेरी मरहूने मिन्नत हो। अपने किए पे आ जाओ ना, अभी पार्सल करके भेज दूं यहां से तुझे मैं। जी नहीं, जिस रकम की दम पे मैं मौजूद हूं ना, वो शामीर ने आपकी बेटी की शादी पे खर्च की है। क्यों नहीं करेगा, क्यों नहीं खर्च करेगा हैं? तेरे लिए तो नहीं जाना इसे मैंने। अपनी बहन की शादी करेगा, ये तो क्या इसका बाप भी करेगा? या सिर्फ अपनी शादियों पे खर्चा करने के लिए पैदा हुआ है ये? और तू होती कौन है जताने वाली? बीवियां भी बहुत कुछ होती हैं। हाँ, पर दूसरी बीवियां नहीं होती कुछ सिवाय पछतावे के। अच्छा बस, अभी इस बात का जवाब देना कंपलसरी तो है नहीं, तुम प्लीज अंदर आओ, मुझे वैसे भी तुमसे बात करनी। चलो। प्लीज प्लीज करता रह तू, तेरे जैसे मर्द होते हैं जो बीवियों को खराब करते हैं, प्लीज और सॉरी के बीच में झूलते रहते हैं। बेगैरत को गुद्दी से पकड़ लगा दो और खींचता हुआ ले जा कमरे में, ताकि मेरा बच्चा भी जाया हो जाए, है ना, और इसकी जिंदगी भर की कमाई आप और आपकी बेटियां खाएं। वाह, क्यों ना खाएं? मां हूं उनकी मैं, क्यों नहीं खिलाऊंगी? तो मां होने का मतलब ये तो नहीं होता कि कलेजा भी खा जाए? दफा हो जाओ मेरे घर से, निकल जा। तो नहीं जाऊंगी, मेरे शौहर का घर है ये। अरे बस, कम से कम आप ही सुन ले, चुप हो जाएं। शाबाश शामिर, शाबाश। माँ को अकेला देख के तू भी बीवी के साथ मिलके माँ की खबर ले रहा है। तुम ही चुप हो जा, चलो अंदर चलो, बहुत हो गया ना। नहीं जाना मुझे। और आपने आज जो मेरी शान में बातें कह दी है ना, ये समझ जाए आखिरी मर्तबा है ये। आइंदा मेरे बारे में कुछ बोलने से पहले ये सोच लीजिएगा कि मैं भी मुंह में जबान रखती हूँ। अजरा ने जो थिएटर दिखाया था ना, मैं भी बहुत अच्छी तरह से दिखा सकती हूँ। और कोई जरूरत नहीं है मुझे शामिर और मेरी शादी के ताने देने की, आप भी कोई दूध की धुली नहीं है। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन ले, मुझे अपना हक लेना और छीनना अच्छी तरह से आता है। अच्छा बस, अब मम्मी से बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। क्या तुम ना अपनी अम्मी को जरा शक्कर ला के दो, थोड़ी मिठास आए इनकी जबान में। करवाहट मुझसे अब सही नहीं जाती। और सॉरी, मुझ पर रोब जमाने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही मैं इस घर की मजदूरी कर सकती हूं। कोई मजदूर ला के दे दो इन्हें। बेटियां जाएं घूमने और बहुएं करें किचन की नौकरी। ऐसी माएं सिर्फ अपनी बेटियों का भला देख सकती हैं, बस। बेटे की खुशी तो रास ही नहीं आती। और मुझ पर रोब डालने से पहले ना एक बात अच्छी तरह से जान ले, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। चलो।
और का घर है, मुझे खाना देना होगा आप लोगों को। अरे जा बाहर बैठा हुए, मांग उससे जो मांगती है। मांगूंगी, जरूर मांगूंगी, ना हक मांगूंगी, और अगर नहीं देगा ना तो कोर्ट कचहरी तक घसीटूंगी मैं उसे। और अंकल मुझे हाथ मत लगाना। देख रहे बेटा, देख रहे थे, अच्छा हुआ तूने आज अपनी आंखों से सब देख लिया। तेरी बीवियां मेरी वो बेइज्जती करती है। अरे अपनी बीवियों से कह दे मुझे तब तक यहाँ बर्दाश्त कर ले जब तक मेरी बच्चियां नहीं आ जाती, फिर तू जान तेरा नसीब जाने। हाय अल्लाह, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी बस। अरे खराब हो गई है बेटा, मेरी तबीयत चक्कर आ रहे। तुम दोनों ना दफा हो जाओ यहाँ से, और नजर नहीं आना मुझे। आप आए आप आराम से बैठिए। अरे बेटा नहीं, अब मुझसे नहीं बर्दाश्त हो। लगता है नीचे गई है या फिर सो रही है। अब अल्लाह करे इसे मेरे छत पर होने से गुस्सा ना आए। गुस्सा आता है तो आता रहे, मैं भला गर्मी में कब तक अंदर रहूंगा। आप उस वक्त क्या कह रही थी, मुझे आवाज नहीं आई थी, बोलिए। आपके पास कुछ खाने के लिए है? मेरे घर में कुछ पका हुआ तो नहीं इस वक्त, मैं बाजार से ले आता हूँ आपके लिए। आप क्या खाना चाहेंगे? कुछ भी जिससे बस पेट भर जाए। आप 15 मिनट इंतजार कीजिए, मैं बस अभी लाया। आई एम सॉरी मुना, सच कहूं तो मुझे नहीं लगता मैं तुम्हें से किसी को भी खुश रख सकता हूं। तुम्हें डॉक्टर ने मुझे पुरसुकून रखने को कहा था, बेसुकून करने को नहीं। मैंने मना किया था ना तुम्हें, कहा था इस घर में नहीं आओ, ये भी समझाया था तुम्हें कि इस घर में दिलों से मोहब्बतें उड़ जाती हैं, पर तुमने एक नहीं सुनी मेरी। साफ साफ ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी अम्मी का मिजाज काफी है मोहब्बत को दीमक लगाने के लिए। ना जाने कौन कौन से अमराज में मुब्तला है वो, खुद सरी, खुद परस्ती, खुद तरसी और खुद से जुड़ा ना जाने क्या क्या। तुम आई क्यों हो यहां? तुम्हारी मोहब्बत में तुम्हें किसी कीमती शय की तरह जमाने से छुपाए दरबदर फिर रही हूं। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि तुम्हारी अम्मा मुझसे चुरा कर तुम्हें अजरा को ना दे दें। दूसरी बीवी जमाने की दूसरी औरतों से नहीं डरती, उसे सिर्फ अपने शौहर के छिन जाने का खौफ होता है पहली बीवी से। तो मोहब्बत करती हूँ मुझसे तो बस, ये मोहब्बत ही हमेशा तुम्हें मेरे साथ रखेगी।
वाला चाहे तो क्या नहीं कर सकता। यही शामिर मोना को छोड़कर मेरे पीछे दीवाना हो जाए, इसी मोना का बच्चा उसके पेट में उसी तरह मर जाए जिस तरह कुछ ना मुराद का मर गया। जो मुझे दिखा वो मैं ले आया। ये लेटे ले आई आप? मैं ला रही। शुरू कीजिए। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि आपको तीखा पसंद है या फीका। तो नहीं खा लेते। मुझे तो तीखा पसंद है। जिंदगी वैसे इतनी फीकी होती है तो कम से कम खाना तो तीखा। आप सोच रहे होंगे कि किस कदर भूखी औरत है। वो तो हर एक को ही लगती है, इसमें ऐसी क्या बात है? किसी को मोहब्बत की तो किसी को इज्जत की, किसी को कदर की तो किसी को वफा की। क्यों जानबूझ के अपने आप को अज़ियत दे रही हैं? जब सब दे रहे हैं तो मैं भी तो खुद पर थोड़ा सा हक जताऊं। कोई और बात करें? तो आपके घर में कौन कौन होता है? मैं, अबू, बहन, भाई। आपने आपने बताया नहीं आपके घर में कौन कौन होता है। क्या आपको वाकई महसूस नहीं हो रहा कि आप मुझे अज़ियत दे रही हैं? समझ ले मेरा कोई भी नहीं। आपके अपनों ने आपको छोड़ दिया है और मैं अपना को छोड़कर आया। बस कोई सवाल मत कीजिए। मुझे लगता है कि मैंने आपसे कोई गलत बात पूछ ली। दिन जितने भी गर्म क्यों ना हो, रातें हमेशा ठंडी होती हैं इस शहर में। किस शहर से ताल्लुक है आपका? मैं पाकिस्तान का शहरी हूं। खाना तो ठीक है ना? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप मेरे लिए खाना लाए हैं ना, तो मुझे एहसास हो रहा है कि चोरी क्यों करते हैं। देखें प्लीज, ऐसी बातें करके खुद को और मुझे शर्मिंदा ना करें। आपसे मिलने के बाद वैसे भी खुद की आवाज सुनिए कितने अरसे बाद, वरना तो खामोशी ही शोर मचाती रहती है। कुछ कह रही थी। मैं फिर से आपके घर वालों की बात करके आपको अजियत देने वाली थी, मगर मैं फिर गुड
आपके पास दवाइयां तो है ना? ला दी थी मोना के शोहर ने। आपकी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज? मैरिज। जानते हैं क्या, मेरी अम्मी शादी से बिल्कुल ना खुश थी। मेरी अम्मी को बड़ा दुख था मेरा शामिल से प्यार उन्हें एक आंख नहीं भाता था। बड़े रंज में थी कि जिस औरत ने सारी जिंदगी उन्हें तकलीफ दी उसके बेटे से उनकी औलाद को मोहब्बत कैसे हो गई। जो मोना का मियां है ना, मोना का, ये मेरी सगी बहू का बेटा है। ये जो मोना है ना, मोना मेरी बचपन की सहेली है। हमने हर घड़ी हर पल हर सांस साथ गुजारी थी और वो मेरी आंखों में दुखों की धूल झोंक कर मेरे सारे सुख चुरा कर निकल गई। गई कहां? वो तो आपके पास आ गई। नहीं, वो कहां रह रही है? मेरे कमरे में। इस कमरे की तरों के बाद गवाह शामिल की मोहब्बत के। उन्होंने शामिल की मोहब्बत में डूबी सरगोशियां भी सुनी है और उसकी बेवफाई पर सिसकियां। खुदा की कसम मेरे अंदर इतना दुख है कि मैं खुद हैरान हूं कि इसकी शिद्दत से आंख क्यों नहीं लग जाती। मैं भी इतना दुख है कि मैं भी हैरान होता हूं कि मुझे क्यों नहीं आग लग जाती। तुम्हें तुम्हें किस बात का गम? लुट जाने तो मुझे भी। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ शामिल फिर से मेरा दीवाना हो जाए, शादी से पहले जैसा। वो हाथ जोड़ के मेरे पास है, मुझे कहे कि अज़रा मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा। फिर मैं उससे कहूँ मुझे तुमसे कोई मोहब्बत नहीं, मैंने तुम्हारे बारे में कभी इस अंदाज से सोचा ही नहीं। और ये कि मुझे तुमसे नहीं किसी और से मोहब्बत है। और हम दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहते हैं। तुम अपने दिल से मेरा ख्याल निकाल दो। जिंदगी में रिवाइंड का बटन नहीं होता। किस्मत में तो होता है। कई बार सुना नहीं तुमने, तारीख खुद को दोहराती है, अगर अल्लाह चाहे तो क्या नहीं कर सकता। यही शामिर मोना को छोड़कर मेरे पीछे दीवाना हो जाए, इसी मोना का बच्चा उसके पेट में उसी तरह मर जाए जिस तरह कुछ नाम रात का मर गया। क्यों हर चीज मुझे देगी? क्यों अल्लाह ने ले ली मुझसे वापस मोहब्बत? मेरी ममता, मेरी ही जिंदगी क्यों आजमाई गई? यार मेरा सेलफोन कहाँ है? बेल तो आपकी घर के दरवाजे से आ रही है। जी जी
मेरा एक ही दोस्त है जो मुझसे मिलने आता है, वो जब भी आता है तो मुझे फोन जरूर करता है। हाँ ये देखिए ना कितनी उसकी मिस कॉल आई है। मैं आया। यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह, यार बेवफा ते मेरा रब ही गवाह। सुने रब दे अके देवा देवा में क्या हुआ खैरियत? कैसा आना हुआ? यार हम जैसे लोगों के लिए कोई बहाना नहीं होता, बस आ गया। यार बहुत भूख लग रही है, ऑफिस में भी बिस्किट से लंच किया। यार तो तुम्हें तो मेरा पता ही है, सचमुच कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। हम लो यार बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा, बहुत दूर से आ रहा हूँ, कुछ भाई ने ऑर्डर करके मंगा लिया। एक बात बतानी थी तुम्हें, खाला का फोन आया था, वो लोग दोबारा परेशान कर रहे, कह रही थी कि वहां रहना बहुत मुश्किल है। मैं उन्हें जान से मार दूंगा। अच्छा बस खाला इसीलिए तुम्हें नहीं बता रही थी। अम्मी क्या क्या रही थी? कुछ नहीं, दोनों भाई बेल पे रिहा हो गए और उनके लड़के कई बार आस पड़ोस से पूछ चुके हैं कि तुम कहाँ हो। खाला कभी बाहर गई है तो उनका पीछा भी किया है। अब एक ही हल है, मैं उन्हें भी यहां ले आऊं। नहीं नहीं वो यहां मेरी तरह कैद नहीं हो सकती हैं। तो यार क्या चल रहा है? दिल की लगी या दिल लगी? कर ली बकवास। ये ले महीने का खर्चा लाया था। यार पिछले के भी पड़े मैं तो यार खर्चा ही क्या है? तो जनाब ने सोचा कि क्यों ना किसी को गोद लिया जाए। मम्मी को दे दिया? शुक्र है चाचा ने ये चार दुकानें कराची में ले, वरना इन हालात में घर का गुजारा नामुमकिन था। अगर ये हैदराबाद में होती तब का कब्जा हो चुकी होती। खाला को फोन कर लेना। हाँ करता हूँ यार, हर वक्त चिड़िया की तरह कांपता रहता है मेरी माँ का दिल। अच्छा यार ये पुल का क्या चक्कर है? कौन सा पुल? मुझे तुम्हारी बराबर वाली दुखी आत्मा
कि छत के यहाँ तख्ते का पुल नहीं बांधा हुआ? वो यार वो तो उसे भूख लगी थी तो मैं उसके लिए खाना ले आया था बस। अच्छा तो मतलब अब उसका नान नफा भी तू अदा करेगा? यार एक मुसीबत ज्यादा शेरी का पेट भर के खाना खिलाने में क्या जाता है? यानी मैं जब सो जाया करूंगी तो ये मुझे धोखा देकर अपनी बीवी की आगोश में चला जाएगा। वो अपनी पहली मोहब्बत कभी नहीं भुला पाएगा।